कविता है, शीर्षक है भ्रष्टाचार। एक रोज एक बूढ़ी औरत को देखा, बिखरे बाल झुके जिस्म को फटे हार देखा। मैंने पूछा, माँ कौन हो, कहाँ जाना है? माँ हड़बड़ाई, मेरे से बोली, मेरा कोई घर कोई ठिकाना नहीं। मैंने झुक से कहा, क्या माँ तेरा कोई बेटा नहीं? माँ सहमी, झुंझला कर बोली, मेरे तो बहुत बेटे हैं। मैंने झुक से कहा, फिर क्या शिकायत है, नाहक क्यों परेशान है? माँ बिलख बिलख कर रोई, फिर बोली, बेटों ने मेरे घर में एक बड़े चोर को पाला है, जिसने घर को मेरे बर्बादी में डाला है। मैंने झट से कहा, माँ आसान है तरीका, बेटे को समझाओ, चोर को मार भगाओ। माँ घबराई, सोच कर बोली, बेटों ने ही पाला है, बड़े चाव से संभाला है। मैंने झट से कहा, माँ ऐसा कौन बेटा है जिसने चोर को पाला है? माँ फफक कर रोई, चिल्ला कर बोली, मेरे अपने बेटों ने भ्रष्टाचार को पाला है। मैंने झट से कहा, मेरे माँ अब सच बतलाओ, तो तुम कौन हो मुझे समझाओ। माँ खून के आंसू रोई, बुलाती हुई बोली, मैं एक कम नसीब माँ हूँ, मैं भारत माँ हूँ। मैंने झट से कहा, माँ अब जल्दी दिल्ली जाओ, प्रशासन को दिलवाओ। माँ बेतहाशा रोई, चीख कर बोली, वहाँ अब कौन सुने मेरी, जब घर के ही करे घर में चोरी। मैं माँ से लिपट कर रोई, निराश होकर बोली, अब क्या होगा माँ? माँ ने झट से कहा, क्या पता कब खत्म होगा यह व्यापार, अब तो चारों ओर भ्रष्टाचार। किसको मेरी पड़ी है, मैं जिंदा रहूं या मुर्दा, फिर भी लोग कहते हैं मेरा भारत महान।